जनाब जनाब जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग? फोटोग्राफर साहब, जैसे कि आप लोगों को पता है, मोबाइल फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन करते इतनी कमाल है, बकवास होती है ये मोबाइल नहीं। और ये हम आपको दिखाते हैं अपना। तो जी, हल्की पुल्की जो है ना बारिश हो रही है, लेकिन हम इधर ही घूम रहे हैं। बहुत हल्की है बारिश, ना होने के बराबर है अभी। और हम वेलियाँ मार रहे हैं दोबारा से, ये वेलियाँ ही सीन चल रहा है। मेरे मोबाइल के ऊपर भी गिरी है बारिश, दो तीन कतरे। ये जिम है, सस्ता जिम। अब भागने का टाइम आ गया मुझे लग रहा है। आज जो है वो घर में चिकन ब्रेड बन गया, तो बाहर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको उसका रिव्यू भी दूंगा। आज जो है वो घर में बन रही है चिकन ब्रेड। आटा गूंथ चुके हैं, ये इसमें लगाया, फिर वेला थोड़ा सा, फिर ये मिक्सचर बनाया हुआ हमने। इसमें वेजिटेबल्स हैं और चिकन है, ये लगाया। ये मैं इसे बंद किया, किचन विद मामा के साथ ये बन रहे हैं, एक्सपर्ट किचन विद मामा। ये शेप कुछ ऐसी आई है इसकी सीजन लगाने के बाद। मैं लगा के दिखाता हूँ, इसमें लगा दूँगी। आप उठा लेना यहाँ से। सबसे पहले अंडा लगाया हमने, अंडा। अब ये इस पे ऐसे 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 ये इधर रख के, ये तेल है हमारे पास और ये कलंजी है, इसको मिक्स किया। ये इसके पास रख दी ऐसे ही। दूसरा तो ये है जी हमारे वो, और सुखाते हैं अभी। गर्म है बहुत, लेकिन बहुत ही मजे की है। बड़ा सही सा टेस्ट आ रहा है इसमें, जैसे उसका टेस्ट होता है। तो यार इस वक्त हम जो है ना आए हुए हैं भैया कबाब आए हुए हैं मॉडल टाउन। तो अभी आपको इनका शफैक दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको इनके ओनर जो हैं उनसे मिलवाएंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे। तो चलिए मेरे साथ। फिर हमारे पास जो है ना इनकी मलाई बोटी है, और ये इनके चिकन कबाब हैं, और ये इनके पराठे हैं, और ये हमारे पास आ गए हैं। हम इनको ट्राई करके फिर आपको बताते हैं। तो फिर हमारे पास जो है इनके कबाब हैं, ये बीफ कबाब हैं, बहुत छोटे से हैं इनके तो। और हमारे पास इनकी एक वानी बोटी है, ये बहुत छोटे छोटे पीस थे तकरीबन, आस में ले थोड़े थोड़े बड़े। ये जो है ना ये हमारे पास अगवानी बोटी है इनकी, और ये इनके पराठे हैं। अभी मैं खाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या इनका सीन है। यार अभी इनका खाते हैं, ये पराठे से इनको एक लगा के फिर खाते हैं। तो यार हमने इनके जो है ना कबाब ये खाए थे, कबाब भी और अगवानी बोटी भी,
तो इनका टेस्ट सही है, कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत थोड़ी है और अच्छा है। मज़े का खाना है इनका। तो यार इनका जो इनकी अगवानी बोटी है वो हमने खा ली है। अब ये इनका कबाब है, ये बीक का बड़ा छोटा सा कबाब है इनका, ये है। तो इनको किस सुखाते हैं बताते हैं। काफ़ी सही सा टेस्ट है इसका, है छोटा सा काफ़ी, लेकिन अब इसको अब आपका साइज दिखा दूँ। इनकी सबसे अच्छी चीज़ है ना वो है पराठे, उसके बाद जो इनकी अगवानी बोटी है, मलाई बोटी है, वो बस सही है। जो इनकी अगवानी बोटी है इसकी इसका टेस्ट जो है अच्छा है, लेकिन ये बहुत छोटी सी है, बहुत ही छोटा वो है इसका साइज, बड़ी चुई सी है ये। तो जी अभी हम आए हुए हैं भैया जी कबाब वालों के पास, और ये इनके ऑनर हैं। अभी इनसे बात करते हैं, हमने इनका खाना खाया है, बड़ा अच्छा लगा हमें खाना, और अभी हम इनसे बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने कब से शॉप खोली थी? हमारी 1970 से 1970 से स्टार्ट है। तो अंकल है उन्होंने की थी, भैया कबाब साहब खान साहब वो इसको रन कर रहे थे। अब उनके बेटे हैं जहीरुद्दीन खान, वो इसको चला रहे हैं। तो आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है? हमारे बारबेक्यू सारा स्पेशल है, स्पेशल ही है बाहर के खाने से, और इससे हमारे यहाँ पे बहुत फर्क है। पहली बात ये बन है कि हमारी सारी चीज़ें घर से बन के आती हैं, घर में सारा घर में बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर अभी सिर्फ आप देते हैं आगे आपको देते हैं। हमारे जो कबाब हैं उसमें उजड़ी पट्टे प्याज कलेजी नहीं होता जी, वो भी अगर आप कहते हैं तो मखसूस जगहों की होती है। अपनी बोटी और अफगानी बोटी जो है हमारी वो है अंडर कॉपी कबाब, हमारा मुकदम का फिर हमारा चिकन कबाब मटन कबाब, इसमें भी कोई वो जड़ी पट्टे प्याज कलेजी नहीं, खालिस कीमा है, हमारी स्पेशलिटी है। तो आप लोगों का एक ये वो आप लोगों ने अपना टेंट सेट किया हुआ है कि जो बाप कबाब होते हैं वो ज़रा अलग होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन आप लोगों के वो लंबे इसलिए होते हैं कि उसमें कीमत होता नहीं है जी, उसमें प्याज की भरमार होती है, उसमें पट्टे कलेजी की भरमार होती है, कीमा नहीं होता हमारा, खालिस कीमा होता है और महंगा कीमा होता है। मखसूस जगह का मैंने आपको बताया मुकदम का कीमा होता है, मखसूस जगह का वो इसलिए महंगा भी है, और इसलिए आपने कबाब खा तो इतना सा कबाब है मुझे खालिस कीमा होता है। फिर इसमें पकना आग पे होता है जी, दो मिनट में ये पड़ता है, एक सेकंड में उतर जाता है। अगर इसे हम बड़ा करेंगे मोटा करेंगे अंदर भी, इसलिए इसका साइज इतना रखता है। जिसमें दूसरी खाना होता है नरम खाना होता है वो इसको डबल कमा होता है। अच्छा लगा हमें आपका खाना, तो हम दोबारा भी हमारे पास हाँ पाकिस्तान की पूरी क्रीम आती है जी, यानी कि जनरल बादशाह से लेके लीडर है और जितने सियासतदान हैं, एंकर पर्सन, गुरुकार, एक्टर, ये सब हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये जो बहुत फेमस शॉप है वो तो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है जी, बहुत कम करें। हम भी बड़ी दूर से आए हैं आपको खाने, बड़ा नाम सुना था आपका। वेलकम, बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू।